देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने पैनलिस्ट का अपने दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं ये देश का इकलौता लोकतांत्रिक शो है क्योंकि हमारी जनता यानी हमारी जनता जनार्दन हमारे दर्शक ही तय करते हैं कि आज किस मुद्दे पर बहस होगी, वो ही बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हुए हैं अपनी राय देकर अपने घरों से जुड़कर। तो आज पब्लिक के मंच में जुड़ेंगे डॉक्टर एमएम सिंह गोरखपुर से, संदीप राठौर खरगोन से, शुभम पांडे मुरादाबाद से, संजय सिंह वाराणसी से। तो आज सबसे पहले देखते हैं आप दर्शकों ने किस मुद्दे पर बातचीत करना तय किया है। आज की सबसे बड़ी खबर थी कैबिनेट विस्तार और उसी पर आपने मोहर लगाई है। मोदी कैबिनेट 2.0 का पहला विस्तार होने जा रहा है। कुछ मंत्रियों के काम का अतिरिक्त बोझ कम होगा, साथ ही साथ सही रीजनल प्रतिनिधित्व के साथ साथ कई सारी चीजें होंगी। आइए ग्राफिक के जरिए पहले देख लेते हैं कि क्या आज का मुद्दा है। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी हलचल कितनी तेज, 65% लोगों ने इस पर वोट किया है। मोदी कैबिनेट का विस्तार कल शाम 6 बजे हो सकता है, इस बात की पुख्ता सूचना हमारे पास है। अब क्या होगा मोदी कैबिनेट में, किस किस को मंत्री पद दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी किस किस से बहस करते हैं अपने कैबिनेट विस्तार में और अंतिम फैसला क्या खुद लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कैबिनेट विस्तार के बारे में, सांसदों को भ्रम में ना पड़े, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज दिन भर की हलचलों पर आज की रिपोर्ट देख लेते हैं। दिन भर मोदी सरकार की कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज रही। देर शाम तक मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, बंगाल, असम और महाराष्ट्र से कई चेहरों के नाम नए मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए चर्चा में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं और विस्तार के जरिए क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को संतुलित तो करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को भी ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसे विशेष तरजीह देकर अपने पक्ष में मोड़ने की भी कोशिश इस विस्तार के जरिए जरूर करेंगे। केंद्र मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाना भी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल का संकेत है। मुझे जो दायित्व मिला है मैं उसको कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से परिश्रम के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। महाकाल के दर्शन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली पहुंच गए। मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। महाराष्ट्र से नारायण राणे का नाम भी शामिल है। देखो विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे, आपको कोई छुपा सकते है क्या। मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल सरकार की छवि को और मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक चाहे यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्य के बीजेपी के नए और युवा चेहरे हों, सत्ताधारी पार्टी परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही है। वो चाहेंगे कि कुछ अच्छे लोग यहाँ आएं और बेहतर काम परफॉर्मेंस जिनका हो तो उस पे भी वो गौर करेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा और ब्राह्मण चेहरों को खास तरजीह मिल सकती है, जबकि सहयोगी पार्टियों का भी मोदी मंत्रिमंडल में विशेष ध्यान रखने का प्रयास हो रहा है। देश की बहस में चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का शुभ मुहूर्त सरकार की छवि और निखारने में सफल होगा, ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 2022 और 2024 बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा भी है। तो आइए देख लेते हैं देश की बहस में आज हमने कौन सा सवाल पूछा है जिस पर आपको जवाब देना है। आप जानते हैं जवाब कैसे देना है, हाँ या नहीं में आप जवाब देते हैं। आज का सवाल सबसे पहले ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं। सवाल कैबिनेट विस्तार से ही जुड़ा हुआ है। फेरबदल होने जा रहा है, प्रधानमंत्री की टीम को और निखारा जाएगा, युवाओं को और तरजीह दी जाएगी। तो हम क्या सवाल पूछ रहे हैं जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। आज का हमारा सवाल है मंत्रिमंडल विस्तार से सरकार की छवि में ज्यादा निखार होगा, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट www.newsnation.tv पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अगर आपको शो के अंदर शामिल होना है या आप कार्यक्रम के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, हमारा नया लुक कैसा लगा आपको ये बताना चाहते हैं, तो हमें 9711002226 पर
आप हमें एक छोटा सा व्हाट्सएप कर सकते हैं, शो में जरूर शामिल होइए क्योंकि देश का इकलौता लोकतांत्रिक बहस का शो है। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जनता दल यू से सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी मेरे पुराने मित्र अभिन्न मित्र आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम सबसे बात करेंगे, सबकी राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को क्या नसीहत दी थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में किसी की बात ना सुने, अगर फोन आ जाए उसको भी फिर से क्रॉस चेक करें कि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है, और अगर सबका टोटल लगाएंगे तो शायद एक 5-50 एमपी रह जाएंगे जो मंत्री के लिस्ट में नहीं आएंगे, और ये सबसे बड़ा संकट होता है। फिर हमको भी कहना यार उस अखबार में आया है जरूर मेरा नंबर लगेगा। मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी मान लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, दिखावत वाली अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया फोन पर भी भरोसा मत करिए, उनकी एक और बाइट है छपास और दिखास का रोग नहीं होना चाहिए, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा था। अगर अच्छा नेता बनना है तो छपास और दिखास से बचकर निकलना होगा। सीधे चलूंगा सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने तो बता दिया था साफ साफ कि भाई किसी भी बात का भरोसा ना करें, आज आपकी बात का भरोसा करें हम? जी नहीं, निश्चित तौर प्रधानमंत्री जी की, चूंकि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के विस्तार और पुनर्गठन का मामला है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी की ही बात का भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी ही एकमेव व्यक्ति हैं और संविधान के अनुकूल अपने मंत्रिमंडल के गठन का विशेषाधिकार उनके पास है। ऐसे में किसी और को, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 25 मई 2019 को कहा था कि इस देश में कई अन्य नरेंद्र मोदी पैदा हो गए, तो जो ये नए नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं इन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने टीम में सुशासन की के लिए उपयुक्त पाएंगे उसको निश्चित अवसर मिलेगा। यह अवसर ना मीडिया दे सकती है ना कोई अन्य लोग दे सकते हैं। आपको तो पता ही है कि राडिया टेप्स में कैसे कैसे लोग अवसर दे रहे थे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के गठन की कवायद कैसे चल रही थी, ये राडिया टेप्स के माध्यम से इस देश में लोगों ने सुना है। इस तरह के मंत्रिमंडल के गठन की कवायद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में नहीं चलती। डॉक्टर रागिनी नायक, देखिए बिना कहे उन्होंने आप पर आरोप लगा दिया और बड़ा संगीन आरोप है कि आपके यहां कैबिनेट विस्तार तो जो है वो पावर ब्रोकर्स किया करते थे। पहले तो दीपक जी, आज शुरुआत में ये कहना ही पड़ेगा कि बहुत सारे नारे दिए थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, जैसे अच्छे दिन, जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, जैसे बहुत हुआ नारी परिवार, उसी श्रृंखला का एक नारा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और आज मुझे ये कहना पड़ेगा कि सारे नारे एक एक करके मोदी जी की झूठ बोलने की कला के जीते जागते स्मारक बनते जा रहे। आप देखिए सुबह से आपका चैनल भी विश्लेषण कर रहा है, अभी भी बड़ी अच्छी समीक्षा दी गई, कोई कह रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से मोदी जी जातिगत समीकरण सेट कर लेंगे, कोई कह रहा है मोदी जी चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश के सेट कर लेंगे, कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि गठबंधन के समीकरण सेट कर लेंगे। पर क्या कहीं भी ये बात कही जा रही है कि देश हित और जन कल्याण के समीकरण सेट हो रहे? तो अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे ना, फर्स्ट बड़ी अर्थव्यवस्था है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई जो है वो किसी के काबू में नहीं आ रही है, चीन का अतिक्रमण है, किसान 7 महीने से धरना दे रहा है, इन सब नजारों के आगे
इस तरीके की बहस मंत्रिमंडल के विस्तार की मैं समझती हूँ बेमानी, बेकार और निरर्थक हो जाती है। और वो इसलिए भी क्योंकि एक मोदी जी और आधे अमित शाह जी, डेढ़ लोगों की सरकार है, मुखौटे चाहे कितने बदल जाए, विफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए कितने नए सर जुड़ जाए, ये म्यूजिकल चेयर है विपक्ष, ये लोगों को घुमाएंगे घुमाएंगे, अंदर बीच में रखिए एक कुर्सी आधा स्कूल, एक पर मोदी जी को बैठना है, एक पर अमित शाह जी को बैठना है। ये चेयर तो आप भी खेलते थे ना, ये म्यूजिकल चेयर तो आप भी खेलते थे, तो अब इस पर आपत्ति क्यों हो रही है आपको? हाँ, तो आप ये कहा गया कि हमारे समय पर तो पत्रकार जो थे उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, कम से कम हाथ जुड़वा लीजिए, ऐसे पत्रकार नहीं थे हमारे समय पर जो कि पुलवामा के अटैक पर जश्न मना रहे, ऐसा तो हमारे समय पर नहीं हुआ। और आज के समय में मैंने शुरुआत में ही तो बात कही कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इस समय पर किसानों से बातचीत करने के लिए समय नहीं है, तीसरी लहर की तैयारी करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए भी समय नहीं है। हाँ, दल बदलू घर वापसी ना कर लें उसे रोकने के लिए गठबंधन के साथ ही अकाली दल की तरह छोड़कर ना चले जाएं, वो उनकी सत्ता लोलुपता की शांति के लिए पूरा समय है। कैबिनेट विस्तार करके आपका विशेषाधिकार है, देश देख रहा है कि मोदी जी की प्राथमिकता क्या है और मोदी जी का असली चेहरा क्या। प्रेम शुक्ला जी, इनका तो सीधा आरोप है भाई, सरकार तो किसी मोर्चे पर काम ही नहीं कर रही है। रागिनी नायक जी को तो इस बात से खुश होना चाहिए। क्यों रागिनी, मैं आप पर आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए इनके लिए तो अवसर ही अवसर है कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए। नहीं दीपक जी, आपने जो आदरणीय रागिनी नायक जी से प्रश्न पूछा था, क्या उसका उत्तर का एक वाक्य भी कहा गया क्या? उसके उत्तर में एक वाक्य भी कहा गया क्या? नहीं कहा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या आपने कैबिनेट का गठन स्वयं करते थे क्या? आप भी पत्रकार रहे हैं, लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने मंत्रिमंडल के गठन का अधिकार था? राडिया टेप सामने है कि नहीं है? और ये कह रहे हैं कि भाई पत्रकार तमाम तरह के अनुमान लगा रहे हैं, साहब आपातकाल थोड़े है कि पत्रकार अनुमान भी नहीं लगाने पाए। ये कांग्रेस के कुशासन का आपातकाल नहीं है कि पत्रकारों को अनुमान लगाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए। इस तरह की हरकतें, तानाशाही जिनके रक्त में हो, ऐसे शासक ही कर सकते हैं जिनका जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो मुक्त मीडिया में विश्वास रखते हैं, वो अनुमान लगाने का अधिकार भी देते हैं, एक चीज। तीसरी बात, आप किससे सुशासन की बातें कर रहे हैं? 2G 3G, जीजा जी तुम इतना ले लेना जी, तुम उतना दे देना जी, इस तरह की सरकार चलाने वाले, इस तरह की सराव डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को कठपुतली बनाकर, यूपीए चेयरपर्सन जैसा असंवैधानिक पद क्रिएट करके, आप सारे अधिकार जो है, ऐसी आपने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, जिस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में नक्सलाइट समर्थक लोगों को लाकर बैठा दिया गया था, और फिर दूसरी तरफ जो है राडिया टेस्ट बताते हैं कॉरपोरेट घराने तय करते थे किस पोर्टफोलियो पर किसका अधिकार हो, यानी पोर्टफोलियो भी नीलाम हो रहे थे। तो जिन लोगों ने अपने शासनकाल में मंत्रिमंडल के विभागों की नीलामी की हो कॉरपोरेट हाउसेज में, वो जब बातें करते हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हो, तो निश्चित तौर पर उन पर हंसी आने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? ठीक है रागिनी, बड़ा सीधा सवाल है। देखिए आप पर फिर उन्होंने आरोप जड़ दिया कि आपके यहां तो मंत्रालय बिकाऊ थे। देखिए प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, मैंने वो बात सबसे पहले कही। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने मंत्रिमंडल का गठन स्वयं करते थे, लेकिन पार्टी के विभिन्न पक्ष जो हैं उनको सुनकर और पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों की जो राय है उसको शुमार कर। अब मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जेपी नड्डा जी जो प्रदेश जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बेचारे हिमाचल में रह गए, उनके साथ तो ना मोदी जी ने बात की ना अमित शाह जी ने बात की, और उनकी तो इतनी ज्यादा राय शुमारी होती है कि हम सबने वो वायरल वीडियो देखा है कि मोदी जी और अमित शाह के आगे जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी पास में आना चाहते थे तो उनका हाथ पकड़ के उनको पीछे कर दिया। हिमाचल में चुनाव आने वाला है, हिमाचल के निवासी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की ही कितनी पूछ है। अब ये कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, 7 साल से कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में नहीं हुई, अगर इन्हें यूपीए चेयरपर्सन का पद असंवैधानिक लगता था तो उसको चैलेंज करते उस समय में। अब टीवी डिबेट में आकर अनर्गल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहती हूँ दीपक जी, जरा देखिए मोदी कैबिनेट में पहले ही इतने नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, इतने बड़े बड़े नमूने हैं। वित्त मंत्री से महंगाई पर सवाल पूछो तो वो कहती है
जाएगी। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर है, कहते हैं इम्पोर्ट डेफिसिट हमारा बढ़ गया है तो ये ताली बजाने की बात है, जबकि सभी विकासशील देशों के लिए इम्पोर्ट डेफिसिट जो है उसका बढ़ जाना गंभीर समस्या होती है। आप रविशंकर प्रसाद जी के उनके लिए ट्विटर और व्हाट्सएप ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत देखे, तो ऐसे नमूनों की टेरिस को बढ़ाकर करेंगे क्या? देशभक्ति का देश कल्याण का काम नहीं हो रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो टेरिस है उसको लगातार आपकी सरकार के मंत्री है राजनी जी, वो आपकी सरकार के मंत्री है। ठीक है, आप रुकिए, मैं आशुतोष के पास चलूंगा और मेरा सीधा सवाल आशुतोष से। आशुतोष, क्या इस सरकार ने मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट दी है? दीपक, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सबसे माफी चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि जो है डिबेट कर रहे हैं या अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो बाइट आपने दिखाया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मीडिया जो ये नाम लेता है वो अफवाह फैलाने का काम कर रहा, तो मैं अफवाह फैलाने का काम नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि भाई लोकतंत्र के अंदर जो मंत्रिमंडल का गठन होता है वो विचार विमर्श करके होता है, सहयोगियों से बातचीत करके होता है, वो एक आदमी नहीं करता। हाँ, ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव जरूर होता है कि वो किनको अपने कैबिनेट रखे, किसको अपने कैबिनेट ना रखे। अब वो कुछ और तरीके की विशेषता होगी जहां सिर्फ एक ही आदमी सारे फैसले करता है और एक ही आदमी सारे मंत्रिमंडल को चुनता है, तो वो एक अलग सवाल। आज की तारीख में मेरा मानना यह कि जो मंत्रिमंडल का गठन है इसके लिए तीन बड़े महत्वपूर्ण कारण है। पहला महत्वपूर्ण कारण यह कि सरकार अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, सरकार अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही। देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त रसातल में है, पिछले एक साल के अंदर 22 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख इस वक्त डगमगाई हुई है। हेल्थ को लेकर जो भारत ने पहले लॉकडाउन करके जो तमगा कमाया था वो दूसरे वेव के दौरान पूरी दुनिया में उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान मत जाइए, बाकी कहीं जाइए। तो तीन ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें मुझे लगता है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक हेल्थ मंत्रालय, कि आखिर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे वो कर क्या रहे, जब वो कह रहे थे फरवरी के महीने में एंड गेम हो रहा कोरोना का, अगर एंड गेम था तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री की हमें देश को जरूरत नहीं है। दूसरा, देश के जो विदेश मंत्री हैं, आप देख लीजिए, भारत के रिश्ते सिर्फ चीन और पाकिस्तान से नहीं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश सबसे खराब है। तो और पिछले दिनों खबर यह है कि जब वो अमेरिका गए थे तो वहां के विदेश मंत्री ने भी उनसे लगभग काफी इंतजार कराने के बाद मुलाकात की थी, तो ये तय होना चाहिए। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इस देश की अर्थमंत्री कर क्या रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई कि कोविड के पहले लगातार 8 क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था 8% से गिर के 4% उसके नीचे पहुंच गई। तो इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कौन कौन मंत्रिमंडल के आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि मेरी अफवाह फैलाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इन तीन मंत्रालयों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो आपने कहा मैक्सिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं ये जुमला बिल्कुल सही है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही आदमी सारे फैसले करता है, इसलिए मिनिमम गवर्नमेंट है और मैक्सिमम गवर्नेंस हो रही है। आपको लगता है आशुतोष जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? आपको लगता है ये सरकार अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही है? आपका सवाल किनसे था दीपक जी? किससे है ये प्रश्न? क्या प्रश्न मुझसे है? अच्छा दीपक जी, मैं तो यही कहूंगा कि मोदी 2.0 ने एक से एक काम किया है। राष्ट्रीय एकता अखंडता अक्षुण रखने के अलावा इतने बड़े वैश्विक महामारी के बावजूद भी अर्थव्यवस्था को इतने अच्छे नियंत्रण में किया गया है कि मैं समझता हूं कि मोदी 2.0 गवर्नमेंट इस मामले में काफी सफल रही है। जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डवाडोल है तो हिंदुस्तान की भी गिरी है, लेकिन बेपटरी नहीं हुई है। और हमने रिकॉर्ड टाइम में 2-2 वैक्सीन बनाए हैं, हमने कोरोना पे नियंत्रण करने के लिए अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत की है। रहा थोड़े हताहत होने की चीज, तो ये वैश्विक महामारी थे ये मानना पड़ेगा। हम पूरे इतने बड़े जनसंख्या को निशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं, और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सोचते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है तो निश्चित ही ये कैबिनेट के लिए उनको शुभकामनाएं, उनकी प्रेरोगेटिव है, उनको मिलेगी। और जहां तक रह गया आशुतोष जी और अग्नि जी की बात, तो ये लोग एक छटपटाहट में एक प्रलाप मोड में चले जाते हैं, यानी कि जो भी कुछ पूछा जाए उसको एक अलग दिशा में ले जाते हैं।
हमें लगता है कि हर मौके पर इस तरह की बेबुनियाद बेमतलब की राजनीति उचित नहीं होती। अब हमारे रागिनी नायक जी एक ये हिंदुस्तान के मंत्रियों को नमूना कह रहे हैं। अरे हमें लगता है कि अपने ही जब उनके मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, उसमें से नमूना चुन लें, अपने गिरफ्तार में झांक लें। कहते हैं कि वो मंत्रिमंडल विस्तार अपने से करते थे मनमोहन सिंह, पूरी दुनिया जानती है मंत्रिमंडल विस्तार कांग्रेस पार्टी में किस कारण कैसे होती थी। और यहाँ पे आशुतोष जी कहते हैं कि चर्चा का करके होनी चाहिए, तो आशुतोष जी आपके नॉलेज के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री जी सहयोगी दलों से चर्चा करके मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं, और इस बात को आप मान लें। आप अपनी राजनीतिक अंधत्व के कारण आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपने कहा ठीक है अपना ओपिनियन दिया, लेकिन ओपिनियन देने में आप पूरे फैक्ट से बेपटरी नहीं कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर आपने जितनी सारी बातें बोली, हमें लगता है कि ये बेबुनियाद थी। अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की वैश्विक मंदी चलते हुए भी डॉक्टर साहब आप बहुत नहीं, आपने बहुत लंबा अपना ये प्रवचन दे दिया। देखिए आप सुनाए तो वाला रागिनी एक मिनट रुकिए, मुझे डॉक्टर अजीज खान के पास जाना है, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगा, उनको एक बार भी मौका नहीं मिला है। डॉक्टर अजीज खान मुझे बताइए, अब तो आपके लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उतने ज्यादा मंत्री, यानी यूपी के शेयर भारी भरकम होगा, जातिगत समीकरण भी साधे जाएंगे, तो आपको तो तैयार रहना चाहिए अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई के लिए। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीत में ही खोट हो और नियत में खोट हो, तो ये चाहे जितना बड़ा जंबो कैबिनेट बना लिया जाए, सिपा सलारों की फौज बना ली जाए, मुझे लग रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश के वैसे भी 10 अगर प्रधानमंत्री जी को भी मिला लिया जाए तो 10 ऑलरेडी कैबिनेट में है, 10 मंत्री ऑलरेडी है। और इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, इतनी बड़ी समस्या आई उत्तर प्रदेश में, एक भी मंत्री यहां पूछने नहीं आया, हाल लेने नहीं आया। एक बात अभी जैसा कि मैं सुन रहा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, साहब ये चीजें एक जुमला है और वो जुमला साबित हुई, क्योंकि काम तो सिर्फ दो ही लोगों को करना है और दो लोग कर रहे हैं। मोदी जी का मंत्र है कि नाम के लिए मंत्री और काम के लिए प्रधानमंत्री, ये उनका जुमला है, ये उनकी सोच है। तो साहब वो सोच पहले से साबित हो रही है, अब पहले से दो ही लोग काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी यही लोग काम करेंगे, चाहे जितना बड़ा जंबो कैबिनेट बना ले, सिर्फ देश पर एक भार बढ़ने जा रहा है, एक खर्चा बढ़ने जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए आने वाले वक्त में जैसे उत्तर प्रदेश में और बाकी दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव है, उस चुनाव को साधने के लिए, जातिगत समीकरण को साधने के लिए, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक चुनी हुई सरकार जो मध्य प्रदेश में है उसका तोहफा स्वरूप जो दिया जा रहा है, ये वाकई में ये देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है। एक चुनी हुई सरकार को जो गिराया गया और उसके तोहफे के स्वरूप क्या दिया जा रहा है, ये भी आप समझ लें। दूसरी बात, चिराग पासवान साहब बिहार के, वो तो कह रहे थे साहब मैं हनुमान हूं, मोदी जी राम है। साहब हनुमान को ही उनके ही लंका में आग लगा दिया। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी कुछ हो रहा है ये वाकई में बहुत ही दुखद है, एक बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि साहब ये इतना बड़ा जंबो कैबिनेट है, पहले से लोग थे, संतोष गायकवाड़ जी भाई, अजीज खान साहब दुखद क्यों बोल रहे हैं आप इसको? भाई प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है संविधान के अंदर, उनको दायित्व दिया गया, दुखद कौन सी बात हो गई इसमें? सर मैं दुख नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, उनकी जुमला पे मुझे दुख है। उन्होंने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, साहब वो जुमला साबित हो गया ना, वो इसलिए मुझे दुख है और कोई बात नहीं। वो तो कहते रहते हैं गवर्नमेंट तो मिनिमम ही है ना डॉक्टर अजीज खान, अभी भी 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं ना। मैं मान रहा हूं ना, तो आज भी तो मैं मान ही रहा हूं ना सर, और जो बनने जा रहा है वो भी मिनिमम गवर्नमेंट बनने जा रहा है सर, मैं उसी बात को कह रहा था। साहब संतोष गायकवाड़ जी उत्तर प्रदेश में आप समझिए सीएम के साथ मीटिंग कर रहे थे, अधिकारियों को फोन मिलाया, अधिकारियों उनका फोन नहीं उठाया कोरोना काल में, एक बात। यही साहब बीके सिंह साहब है, मंत्री रहे, आप इस बात को समझिए, गाजियाबाद में अपने एक रिश्तेदार को वह एडमिट कराने के लिए कोशिश कर रहे थे, बेड ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, साहब सीएम साहब की मदद ली। तो ऐसे मंत्रियों का क्या काम जो अपने रिश्तेदारों का, जनता का अगर काम ना करवा पाए तो साहब ऐसे मंत्रियों का क्या काम? सिर्फ जब दो ही लोगों को सरकार चलाना है, देश चलाना है, तो देश पर इतना बड़ा भार क्यों लादा जा रहा है? ठीक है सर, ठीक है, सीधे चलता हूं। मेरे दर्शक संजय सिंह वाराणसी से जुड़ गए हैं। संजय क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री के कैबिनेट विस्तार से अगर एवरेज एज कम होती है तो क्या सरकार की छवि और चमकेगी? जी मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का यह मसला है, और प्रधानमंत्री जी
अगर कैबिनेट का विस्तार करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आवश्यकता महसूस हो रही होगी। और ये जो लोग बैठ करके बहस में हिस्सा ले रहे हैं, इनको तो दृष्टिदोष हो गया है, इनको तो दिखता ही नहीं है। जब से मोदी जी सरकार बनाए हैं तब से एक एक मंत्री, एक एक सांसद अपने क्षेत्र में कितना काम कर रहा है, और मोदी जी जो कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आवश्यकता महसूस हो रही होगी। और हमको लगता है काम और बढ़ेगा और बेहतर होगा, विकास की गति और बढ़ेगी। इसके लिए मंत्रिमंडल के विस्तार से हम पूरी तरह सहमत हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। प्रेम शुक्ला जी, ये तो कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां, कह रही है भाई दो लोग सरकार चला रहे हैं, बल्कि रागिनी नायक तो कह रही है डेढ़ लोग सरकार चला रहे हैं, बाकी मंत्रियों की तो चलती नहीं है। तो कैबिनेट विस्तार को आप कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है इन मंत्रियों की, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है। देखिए जिनकी सरकार आपने याद है कि अखिलेश सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और कहा जाता था 3.5 मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश सिंह यादव आधा ही कैलकुलेट हुए होते थे। तो जिनके यहाँ 3.5 मुख्यमंत्री की परंपरा हो, जिनके यहाँ रिश्तेदारों को रुपए कमवाने की परंपरा हो, जिनके यहाँ रिश्तेदारों के माध्यम से दलाली होती रही हो, ऐसे लोगों से तो यही अपेक्षा है कि रिश्तेदार उनके 2-3-4 लोग मिलकर काम कर लें, तो वो तो वही परंपरा बताएंगे। जिनके जो इटली से सोर्स लगते थे मंत्री बनवाने के लिए, कि चलिए जरा जो है मौसी से बात कर लें, मौसी मामी काकी इनके माध्यम से जहाँ रसूख लगता था, उन सबको तो अजीबोगरीब लगता है कि साहब जो है मौसी के यहाँ से फोन आता है, क्वात्रोकी से फोन करवा लो मामा से तो काम हो जाएगा। तो जिसकी कैबिनेट जो है क्वात्रोकी जैसे लोग बनाते थे, मौसी से जहाँ से फोन आया करता था, इस तरह की हरकतें जिस मंत्रिमंडल में चलती थी वो तो कहेंगे ही। तो उनके कहने से मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके पास आऊंगा रागिनी। जिस तरह से अपना कुशासन किया है, उस कुशासन के दिनों को लोग भली बात याद करते हैं। मैंने सिर्फ राडिया टेप्स एक घटना बताई। आपकी स्थिति है कि वोट पर कैश, जो लोग संसद में नोट उड़ाते रहे हैं, वो कई बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है साहब। जो सांसदों को खरीदने की जिनकी परंपरा रही हो, जिनके सांसदों के खाते में पैसे गए हो और पकड़े गए हो, और जिस सांसद को खरीदा गया हो उन्हीं शिबू सोरेन को कालांतर में अपराध में मर्डर केस में कन्विक्शन के बाद आप जो है उनको ले आके मंत्रिमंडल में मंत्री बना दें, उसके बाद आप बता रहे हो मंत्रिमंडल विस्तार कैसे होता है। सब मंत्रिमंडल विस्तार की आपने जो परंपराएं डाली, उन परंपराओं को तो सचमुच जो है भारतीय जनता पार्टी पालन नहीं कर सकती, क्योंकि ये संवैधानिक लोकतंत्र में संसदीय परंपरा में विश्वास रखने वाली पार्टी है, इसलिए यहाँ जो है लोकतांत्रिक ढंग से जो है वो कैबिनेट का विस्तार होता है। ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाया, लेकिन रागिनी उन्होंने भले से का जो है ऊपर नीचे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन जो फैक्ट्स उन्होंने रखे उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने कोई ऊपर नीचे नहीं होता रहा है इस्तेमाल, मैंने कौन सा शब्द ऊपर नीचे रखा है बताइए। दीपक जी, एक चुनी हुई सरकार जिस पर 10 साल देश की जनता ने विश्वास जताया, उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कि विदेश से निर्णय हो रहे थे, मैं समझती हूँ ये राडिया टेप्स है, साफ सामने राडिया टेप्स है। एक मिनट, राडिया टेप्स को आप नकारती हैं क्या? और राडिया टेप्स लाने वाले पत्रकार की हत्या को नकार सकते हैं क्या? उस पत्रकार की हत्या पर विधि पत्रकार नहीं बोलेंगे। आप मेरे बीच जो बोल रही थी ना तब अच्छा लग रहा था, तब अलग नियम था, अब अलग नियम हो जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चुनी हुई सरकार जिस पर जनता ने अपना विश्वास जताया, एक टर्म नहीं दो टर्म 10 साल, उसके बारे में इस तरीके की निर्लज्ज टिप्पणी करना कि मंत्रिमंडल के निर्णय और बड़े निर्णय विदेश में होते थे, मैं समझती हूँ कि देशद्रोह है। लेकिन सरकार से भी बहुमत इस सरकार को है। दीपक जी, अगर इस सरकार को स्पष्ट बहुमत है, ये भी निर्वाचित सरकार है, और इस पर आपकी निर्लज्जता नहीं है। अच्छा, आपने दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं रागिनी, आपने भी बीच में बोला प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, डिबेट करवा लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने बहुत सारी बात कह ली है। नहीं, और निर्लज्ज शब्द का प्रयोग कर रही है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार के बारे में जो, क्या उसको बहुमत नहीं प्राप्त है? जनता के जनादेश से नहीं चुनी गई है,
वो क्या सोनिया जी की कृपा से बनी सरकार है? नहीं है। तो निर्लज्जता शब्द का जब आप प्रयोग करती है तो क्या संदर्भ है आपका निर्लज्जता का? सत्य का आईना दिखाना ये बड़ा अपराध है। मैं आपकी बकवास सुन लूंगी, ठीक है? जनता भी, मैं नहीं बोलूंगी। आप ठीक से बहस कराएंगे तो मैं बोलूंगी। अच्छा, बकवास। वरना आप दूसरे, मैं कहूँ बकवास। मैंने बोलिए, प्लीज जवाब देने का आपको हक है, आपको जवाब देना चाहिए। चुप कराइए, मैं बीच में इस तरह से बहस करूंगी ये, वरना डिबेट का कोई स्तर नहीं बचता है, गाली गलौज डिबेट में शुरू हो जाए। नहीं, आप मेरे बीच नहीं बोली होती तो बिल्कुल नहीं टोकता। आप लगातार मेरे बीच बोल रही थी, इसलिए मुझे टोकना पड़ा। संस्कृति है यही, आपको आप शिष्टाचार निभाती तो आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। मैं दोनों डिस्कस करूंगा, दोनों मेरे बहुत सम्मानित मिनिस्टर डॉक्टर अग्नि नायक, मैं आपको सालों से जानता हूं प्रेम भाई, प्लीज थोड़ा 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 संयम रखें। हम दोनों रखते हैं, दोनों रखते हैं। बोलिए रागनी जी। तो इस तरीके मैं फिर से वही बात, पहले आपकी गाड़ी छूट जाएगी। नहीं सुनिए, 10 साल चुनी, मैंने एक बार भी मोदी सरकार के लिए नहीं कहा कि इसके निर्णय विदेश से हो। मैंने कहा कि इस तरीके के एक्सपेंशन की टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं देश में, बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, जो उपाय खड़े हैं। आप किसान दीपक जी, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं बोल, ये बदतमीज आदमी है, इससे बात करने की तमीज नहीं है। मैं अभी कड़ी पार रंगा बिल्ला बोलना शुरू करूंगी तब इनको शांति मिल जाएगी। तो ऐसा है कि कड़ी पार रंगा बिल्ला ये कहीं पता क्या बोल रहे हैं, यानी अभद्रता के अतिरिक्त इनके शब्दकोश में कुछ नहीं है। इन महिला के शब्दकोश में अभद्रता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सिर्फ अभद्रता और अपशब्द। आपके शब्दकोश में अभद्रता है। अब आपका कलर आ गया, आ गया कलर, आ गया, आ गया। संस्कार दिखाइए, संस्कार दिखाइए। बारबाला की पार्टी के ना, बारबाला की पार्टी के संस्कार यही है। बारबाला की पार्टी की यही संस्कार हो सकते हैं। बारबाला की पार्टी के संस्कार आप प्रकट करें, बारबाला की पार्टी के संस्कार आप प्रकट करें। अच्छा, मैं आप दोनों को रोकता हूँ, प्लीज दोनों को रोकता हूँ, दोनों को रोकता हूँ। मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार और मेरे पूर्व संपादक राहुल देव जी के पास चलता हूँ। राहुल सर, आपको क्या लगता है, क्या छवि निखरेगी और क्या वाकई में अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, इसलिए छवि का मेकओवर किया जा रहा है? आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा ठंडा होइए, तब मैं आपका साथ हूं। राहुल सर, नहीं दीपक जी, आप मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आदमी बीच में बोलता रहेगा और आप फिर दूसरे प्रवक्ता के पास चले जाएंगे। रागिनी जी, मैं पूरा वक्त दूंगा, थोड़ा गुस्सा शांत कर लीजिए, मैं राहुल जी के बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। दीपक, संदर्भ में मैंने अभी शामिल हुआ हूं मैं, इसलिए संदर्भ ये किसकी छवि की बात हो रही है, सरकार की छवि या किसकी बात हो रही है? सरकार की छवि, इस मंत्रिमंडल परिवर्तन के संदर्भ में जी। नहीं, मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल परिवर्तन, मंत्रिमंडल विस्तार एक जरूरत है। छवि का बनना बिगड़ना वो तो उसमें अपने आप होता है, वो उसका एक बाई प्रोडक्ट है। लेकिन इस सरकार का लगभग अपना आधा कार्यकाल इसने पूरा कर लिया है, उसके पास अभी 20-22 नए मंत्री बनाने का की गुंजाइश है। उसको अभी कई मंत्रियों के पास कई एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भी मंत्रालय हैं, यानी उनके ऊपर काम ज़्यादा है और इसका निश्चित रूप से असर पड़ता है उनके प्रदर्शन पर, उनकी क्षमता पर। और मोदी सरकार को, मोदी और बीजेपी को भी अपने सहयोगियों को, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में लेने का वायदा किया गया था, उनको अगले पांच चुनाव, अगले पांच राज्यों में चुनावों की दृष्टि से अपने फेरबदल करने की ज़रूरत है, लोगों को समायोजित करने की ज़रूरत है, वर्गों को, जातियों को, उपजातियों को, क्षेत्रों को। और अगले आम चुनाव की 2 साल बाद जो है उसकी तैयारी करने की, 3 साल बाद की जरूरत है। तो ये सारी राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए ये परिवर्तन होना है, ये विस्तार होना है। इसमें निश्चित रूप से सरकार की छवि बदलेगी, और वो निर्भर करेगा कि किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के चेहरे सामने आते हैं, उनकी अपनी सरकार में छवि कैसी है, उनकी जनता में छवि कैसी है, और उसके बाद फिर क्या वो एक ताजगी का एहसास दे पाते हैं जनता को, ये विस्तार क्या एक ज़्यादा सोद्देश्य, उद्देश्यपूर्ण, ज़्यादा सुगठित और क्षमता का विस्तार करने वाला विस्तार होगा, या केवल राजनीतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए बना किया गया विस्तार होगा। ये सारे प्रश्न हैं।
और इससे छवि प्रभावित होगी ही, अच्छे या बुरे के लिए ये तो हो जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, मैं सीधा डॉक्टर रागिनी नायक के पास चलता हूं। रागिनी नायक जी, आपने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, क्या आपको अभी भी लगता है जो आशुतोष कह के गए वो सही है कि सरकार अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही है? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं राहुल देव जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। आज बहुत लंबे अरसे के बाद उनके साथ पैनल पर बैठने का मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ, बड़ी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। अच्छा, मैं राहुल देव जी की ही बात से शुरू करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि छवि बदलेगी या सुधरेगी तो बाद में पता चलेगा, और मैं उसी को कुछ तथ्यों के साथ जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, कोरोना के दौरान भारत तीसरा ऐसा देश बना जब 4 लाख लोगों की जहां पर मृत्यु हुई। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह से टीकाकरण की दर के बारे में लगातार सरकार एक के बाद एक कुछ ना कुछ झूठ बोलती रही, वो भी कहीं ना कहीं पकड़ में आया। मोदी जी ने जनवरी में ही ये घोषणा कर दी थी कि हम कोरोना से युद्ध जीत गए हैं। उसके बाद हमने खौफनाक मंजर देखे देश में, जहां पर गंगा जी के 8 लाशों से पटे हुए हमें नजर आए। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, एक नेशनल टास्क फोर्स बनानी पड़ी। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत कड़ी टिप्पणी हुई। तो एक पूरी मैंने प्रक्रिया का जिक्र शुरू में भी किया था, जिसके चलते मोदी सरकार की छवि बहुत ही धूमिल है। तो ऐसे में जनता के कल्याण के मुद्दों पर बातचीत करने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों के साथ अंतिम बैठक जो हुई थी वो 22 जनवरी को हुई, उसके बाद से वो अभी तक बैठे हैं इंतजार में कि मोदी जी बुलाएंगे शायद बात करते। और इसी तरीके से कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसकी तैयारी के लिए सर्वदलीय बैठक आज तक नहीं हुई है। तो ये तमाम मुद्दों पर काम ना करके, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक समीकरण ठीक हो जाए, कुछ चुनावी समीकरण ठीक हो जाए, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जहां पर उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री से नहीं बन रही है, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से नहीं बन रही है, सांसद उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि कोरोना के मामले में ठीक काम नहीं किया योगी जी ने, विधायक जो है वो योगी जी के खिलाफ धरना दे रहे थे, संघ को बीच में उतरना पड़ रहा है। तो ये पूरा जो माहौल है वो मोदी जी के खिलाफ है इस वक्त देश, उसको सुधारने के लिए राजनीतिक विषाद पर चाल चल रहे हैं मोदी जी, और मुझे लगता है इस बार पासा उल्टा पड़े। ठीक है, गोपाल अग्रवाल जी बताइए, विपक्ष का कहना है कि सरकार कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही है, क्या वाकई ये इमेज मेकओवर है या वाकई आप मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट करने वाले हैं? देखिए दीपक जी, रागिनी जी ने जो कहा वो पूरी तरह से फैक्चुअल चीजों को नकार रही है। 111 दिन के बाद सबसे कम रूप में दूसरे वेव में आज कल केसेस आए हैं। वैक्सीनेशन लगभग 50 लाख लोगों से ऊपर पर डे लग रहा है, 35 करोड़ से ऊपर की संख्या से वैक्सीनेशन लग चुका है। विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भारत में हुआ है। और इतनी हास्यास्पद रागिनी जी बात करती हैं कि यह जो अपनी पार्टी चला नहीं पा रहे, आज जो पंजाब में क्या हाल है, राजस्थान में क्या हाल है, जिस तरह से महाराष्ट्र में ये आपस में तीनों जबरदस्ती साथ में बैठ के कोई काम नहीं कर पा रहे, तो यह स्थिति हास्यास्पद तो कांग्रेस की है। सोनिया गांधी जी से सिद्धू साहब नहीं सुन रहे और उनके अमरिंदर सिंह नहीं सुन रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकीकरण पार्टी की तरह पूरी देश में आज सेवा ही संगठन के द्वारा जमीन पे भारतीय जनता पार्टी का हर नेता हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। आज भी हमने पूरे नोएडा में करीब 8-10 वैक्सीनेशन सेंटर में हमारे कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से गए और व्यवस्थाओं का ऊपर सहयोग करने का काम किया है। तो इतना बड़ा काम करते हैं तभी जनता हमारे साथ है। अर्थव्यवस्था में त्रासदी और प्रॉब्लम्स हैं या कोविड के कारण है, ये इसके ऊपर सरकार ने मजबूती से काम किया। अगर जो विपक्ष के सरकारों को देखेंगे दीपक जी, तो वो ऑक्सीजन की मैनेजमेंट अपने प्रदेश में, वैक्सीन की मैनेजमेंट छोटे छोटे प्रदेश में भी नहीं कर पा रहे, तो इसका कोई जवाब नहीं। व्हाइट पेपर राहुल गांधी कोई लाते नहीं। पंजाब में जो भ्रष्टाचार हुआ वैक्सीन को लेके, राजस्थान में वैक्सीन को फेंक दिया, और आज जनता हमारे साथ क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि मोदी जी दिन रात 18-19 घंटे काम करते हैं, पार्टी काम करती है, और समय की आवश्यकता के अनुसार जब मंत्रिमंडल का आकलन करना है वो भी करते हैं,
सामाजिक समीकरणों को जहाँ पे प्रतिनिधित्व की बात है उसको देखते हैं, इलेक्शन अभी 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी तरफ भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से काम कर रही है, और इलेक्शन को हम लोग जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी 75 में से सीधे पंचायत अध्यक्षों में से 67 हमारी पार्टी के जीत के आए हैं, और कांग्रेस तो नगण्यता की तरफ 0। एक मिनट रागिनी, मुझे डॉक्टर अजीज खान के पास जाना है, उनके साथ अनफेयर होगा, डॉक्टर सुनील सिंह के पास भी जाना है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अजीज खान जी, आपका योगी और मोदी की जोड़ी से मुकाबला होने वाला है उत्तर प्रदेश में, साइकिल चल पाएगी इस जोड़ी के आगे? देखिए दीपक जी, अभी मैं जवाब दे दूं, गोपाल जी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ और उसमें हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। शायद इनको जानकारी नहीं है कि 828 जिला पंचायत सदस्य हमारे थे और 756 जिला पंचायत सदस्य इनके थे। मैं इतने बड़े टीवी चैनल पे बात कर रहा हूँ, जिनके जिला पंचायत सदस्य ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है जिला पंचायत अध्यक्ष उसके ज्यादा होंगे। अगर ऐसा हुआ, कहां कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, कहीं ना मेरी बात सुनिए, संविधान के मेरी बात सुनिए सर, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जो नंगा नाच इलेक्शन जो होते हैं जो पंचायत के, वो पार्टी सिंबल पे तो नहीं, आप 900,000 कह दिए, घरों में कैद कर लिया गया। यहाँ पर चुनाव बीजेपी के साथ साथ यहाँ के डीएम और अगर गुंडा राज के लिए उत्तर प्रदेश में कोई फेमस है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर्स हैं। अग्रवाल साहब सुनिए, यहाँ का चुनाव गुंडागर्दी और उत्तर प्रदेश में कोई करता था मैं बताऊं तो वो समाजवादी पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ता करते हैं। गोपाल जी प्लीज उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, डॉक्टर अजीज खान कंप्लीट करिए। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी आपने, लोकतंत्र का गला घोट दिया, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया आपने। उत्तर प्रदेश में जो नंगा नाच हुआ है इस देश की जनता ने पूरी तरह से देखा है और इसका जवाब 2022 में आपको मिलेगा। एक बात रही बात लड़ाई की समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी बहुत मुंहतोड़ जवाब आपको देगी, यहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, 2022 में आपको धूल चढ़ा देंगे, यहाँ की जनता धूल चढ़ा देगी, क्योंकि आप के पास ये बातें तो आप पहले भी कह रहे थे, 17 के पहले भी यही बातें कह रहे थे। साढ़े चार साल में उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी। 2017 के पहले भी यही कह रहे थे कि साइकिल पे दो लड़के आएंगे में जिस कदर मौतें हुई है, तहलका मचा देंगे उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ, 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई है, गंगा में बहा दिया गया लाशों को। जो आपने कारनामे किए हैं ना, वो कारनामे जनता देख रही है, यहाँ मौतें हो रही थी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय बंगाल में खान साहब अपने गिरेबान में देख लो, मुकौटा बदल लो, जब आपको जनता ने मौका दिया बदल लो तो भ्रष्टाचार तक नहीं बची थी, कैबिनेट बना लो। मैं अखिलेश यादव जी आपके मुख्यमंत्री अपने सरकारी मकान की टूटियां तक तोड़ के ले गए थे, कैबिनेट में मंत्री बढ़ा देने से। एक बात समझ लीजिए, इसका हल नहीं है, आप अपने नागरिकों को नहीं चला पाएंगे। अजीज डॉक्टर अजीज खान कंक्लूड करिए, आप मैं सीधे डॉक्टर सुनील सिंह के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर सिंह मुझे बताइए, सुन रहे कि आपकी पार्टी ज्यादा सांसद होने के चलते 4 मंत्री पद मांग रही है, क्या अभी भी आप नाराज चल रहे केंद्र से, क्योंकि पिछली बार आपने भागीदारी नहीं की थी? देखिए मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर बातचीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो प्रधानमंत्री चाहेंगे सो होगा, तो ज्यादा वाद विवाद का इसमें स्कोप नहीं है। और जैसे रागिनी नायक जी को मैं कहने जाऊंगा, प्रेम कहना चाहूंगा कि प्रेम शुक्ला जी और उनके जो वाद विवाद हुआ उसका मुख्य कारण क्यों क्या है कि रागिनी नायक जी ने प्रेम शुक्ला के और हमारे केंद्रीय मंत्रियों को नमूना कहा, निर्लज कहा, बदले में उन्होंने इनको विदेशी लेके कहा। मैं कह रहा हूं कभी भी रागिनी जी कि ये तोड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता कुत्ता और सड्डा कुत्ता टॉमी, ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह की बातें का प्रयोग करेंगे तो ऐसा ही होगा। और आजीज खान साहब, आप अपने भावावेश में, आप जब भी कोई चुनाव हारते हैं तो वहां के संवैधानिक संस्थाओं पर, प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, ये करने के बजाय सकारात्मक कार्य में लगे। और आपने कोरोना के बारे में जो भ्रम फैलाया, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो चढ़ेगा लाशों की राजनीतिक सीढ़ी उसे भूलेगी नहीं कभी ये पीढ़ी। आपको लड़ना और चुनाव लड़े, लेकिन कोरोना के मौत को एक बना करके हथियार
किसी पर मोड़ मर के लोगों के भावनाओं से खेल के अगर आप चाहते हैं कि राजनीतिक तीरंदाजी करेंगे तो आप गलती में हैं। आप सकारात्मक मुद्दों में लड़ाई करें। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, ठीक है, सरकार ठीक है, लेकिन अब मुझे जवाब देना पड़ेगा रागिनी नायक का। रागिनी नायक, मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी कैसे हो सकता है? सही बात बोली डॉक्टर सुनील सिंह ने। आपने उनका भूल सुधार कर दिया, इतना बचाव मत करिए दीपक जी। देखिए मैंने शुरू में ही कहा इनकी बात आलाप और हमारी बात प्रलाप। दाना मैं किसी का बचाव नहीं करता भाई, मैं किसी का बचाव नहीं करता। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, इन्होंने अपने ही कुत्ते को टॉमी बता दिया। मैंने मंत्रियों को टॉमी नहीं बोला, ये खुद ही टॉमी बोल रहे हैं और दर्शक इस बात को नोट करेंगे। पहली बात, अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब मुझे कृपया ये बताइए, अभी अगर 2-3-4 मंत्री जितनी आपकी डिमांड है वो अगर पूरी नहीं होगी तो आज जो आप सहयोगी के रूप में हैं फिर आप वियोगी के रूप में भी दिख सकते हैं, इसमें कोई मुझे लगता है आश्चर्य नहीं है। और तमाम बातों पर आपने जिक्र किया, मुझे ये बताइए नीतीश बाबू एक करियर ब्यूरोक्रेट के लिए 3-4 दिनों से बड़ा प्रेशर बनाए हुए हैं मोदी जी पर, अगर इसमें अगर आपके 4 मंत्री बन जाते हैं इसमें बिहार की जनता का क्या पता? कौन से जनमुखी मुद्दों पर आज की पूरी चर्चा में बहस हुई, मैं शुरू से पूछ रही हूँ। चलिए अब छोड़िए, अब गोपाल कृष्ण जी की तरफ आती हूँ। इतने सभ्य व्यक्ति है, अर्थशास्त्री है, इतने विद्वान है, लेकिन इतनी होड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में अभद्रता करने की कि लगातार बीच में बोल रहे थे न जाने। मैं तो समझती हूँ बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता है, बड़े अच्छे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और ये जानते होंगे कि कोरोना के शुरू होने से पहले ही अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से चरमरा गई थी कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। एनएससी के जो सदस्य है उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि सरकार आंकड़े छुपा रही है और हम इस तरीके के घालमेल में हिस्सेदारी नहीं करना चाहते। और क्या ये सही आंकड़ा नहीं है? मोदी जी ने खुद कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज दूंगा। ये हालत हो गई है देश की कि 80 करोड़ लोगों के पास महीने में 5 किलो अनाज खाने के लिए नहीं है। आप किस मुगालबत में जी रहे हैं? क्या ये सही आंकड़ा नहीं है कि 6 करोड़ लोगों का केवल डबल डोज का टीकाकरण हुआ है, यानी कि केवल 4.3% जनसंख्या का। हमने जनवरी 2021 से ऑर्डर करना शुरू किया टीकों को, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर पाए हैं। मोदी जी का वादा है कि 80 करोड़ लोगों का टीकाकरण साल के अंत तक हो जाएगा, यानी अगले 6 महीने में 74 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर देंगे, जबकि पिछले 6 महीने में सिर्फ 6 करोड़ लोगों का कर पाए हैं। इस किस्म की जुमलेबाजी, इस किस्म का झूठ, इस किस्म का जो पाखंड है ये जनता देख रही है। और आप जितनी ज्यादा भूल हो गई है उसको आप मानते नहीं तो भूल सुधार कैसे होगा? इसीलिए ये जो कहते हैं ना आवरण बदल लेना, आडंबर कर लेना, एक मुखौटा हटाकर दूसरा मुखौटा चढ़ा लेना ताकि पिछले जो गुनाह है वो माफ हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। और आप मुझसे सवाल पूछ रहे पंजाब पर, उत्तराखंड में आपको 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़ गए, लगातार मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं, भाजपा जनता हंस रही है आपके ऊपर, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हास्यास्पद बात कर रही हूँ? आपकी जग हसाई हो रही है। मैं फिर से कहती हूँ 1.5 लोगों की सरकार है, उन्हीं 1.5 लोगों से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि किसी मंत्री तो छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की भी किसी निर्णय लेने में कोई हैसियत नहीं। ठीक है, ठीक है दीपक जी सबसे बड़ी बात है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे चलती है राहुल देव जी कि अध्यक्ष को भी कोई अधिकार ना हो? देखिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये बात तो बहुत साफ है कि सारी पार्टियों में आजकल हाईकमांड के नाम पर जो भी लोग हों, वो 1 हों 2 हों 3 हों चलती उन्हीं की है। कांग्रेस स्वयं इससे मुक्त नहीं है, समाजवादी पार्टी इससे मुक्त नहीं है, तो बीजेपी भी उससे उस तरह से मुक्त नहीं है। तो ये तो बात सही है कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसको 1.5 कहें 2 कहें 2.5 कहें जो भी कहना हो आप कहिए, बड़े निर्णय तो वही लेती है और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष आते हैं। ये कोई छुपी बात नहीं है, तो खुली बात है बिल्कुल। वैसे ही जैसे कांग्रेस पे निगाह डालेंगे तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? तो आज जिसे हम आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं पार्टियों में, वो भारत की किस पार्टी में उस तरह से आदर्श आंतरिक लोकतंत्र दिखता है? तो ये व्यावहारिक राजनीति जैसी होती है कि बड़े निर्णय लेने का अधिकार कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है, एक सीमा के बाद वो उसका बहुत बंटवारा, बहुत ज़्यादा शरीफाना ढंग से संगठन और पार्टियाँ नहीं चलती, और कहाँ चल रही हो तो बता दिया जाए अगर कहीं चल रही हो। तो इससे निजी टिप्पणियों में मैं नहीं जाऊँगा।
ठीक है, मैं दीपक जी थोड़ा बात एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर चर्चा शुरू होगी। प्रधानमंत्री जी का एक और बयान सुनाऊंगा, नेताओं को किस किस चीज से बचना चाहिए वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी कैबिनेट 2.0 के विस्तार की, क्या सरकार की छवि और निखरेगी इस विस्तार के बाद, इसी पर बहस कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी, डॉक्टर रागिनी नायक जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, डॉक्टर सुनील सिंह जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज मेरे साथ तीन तीन डॉक्टर मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रधानमंत्री का वो बयान, और फिर आपको लिए चलूंगा गोरखपुर। मेरे साथ मिस्टर डॉक्टर एमएम सिंह जुड़ेंगे, ये भी एक डॉक्टर हैं गोरखपुर से, डॉक्टर एमएम सिंह जुड़ेंगे और उनसे सीधे बात करेंगे। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री ने नेताओं को क्या नसीहत दी थी वो भी जरा सुन लीजिए। आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचे, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरत। यहां भी देखना, आज बहुत लोग आपको हंटिंग करते होंगे, पहली बार आए हैं, और शुरू में तो इतना बढ़िया पूछेंगे ना। और अटल अडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, दो चीज़ों से बचने के लिए कहते थे, वो कहते थे दो चीज़ों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। तो छपास और दिखास नेता में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सीधे चलते हैं डॉक्टर सिंह के पास। डॉक्टर सिंह, क्या होनी चाहिए नेताओं में छपास और दिखास की बात? डॉक्टर सिंह, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। बताइए प्रधानमंत्री की बयान आपने सुना, क्या कहेंगे उसके बारे में? नेताओं को टीवी पर दिखना चाहिए और छपना चाहिए, इसकी क्या बीमारी होती है नेताओं में? जी सर, उनको अपना प्रचार करने का जो है एक तरीका होता है, लोगों में बने रहने का, टीवी पे बने रहने का, सुर्खियों में बने रहने का। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये सर हम कैसे कह सकते हैं, अच्छी बात है सर, लोगों के बीच में रहेंगे, लोग जानेंगे पहचानेंगे, अच्छी बात है। चलिए इसी बात को लेकर राहुल जी के पास चलता हूँ। राहुल जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी की ये सलाह सभी नेता मान लें तो हमारे सब पत्रकारों का क्या होगा? पत्रकारों का तो पहले ही बुरा हाल है, क्योंकि इस सरकार से कोई खबरें निकालना इतना टेढ़ा काम है, जो आप सब भी जानते ही होंगे कि जो पहले तो इस तरह का नहीं था, अभी तो कोई भी मंत्री मुंह खोलने से डरता है, कुछ भी बोलने से डरता है, वो पत्रकारों से मिलने से डरता है, और प्रधानमंत्री स्वयं पत्रकारों को पास पटकने नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। तो वो कितने भी बड़े हों और कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन एक लोकतंत्र में प्रेस से सवाल जवाब न करना, उसके उससे मुखातिब न होना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, और मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा दिखने और छपने की कला में माहिर बहुत कम लोग हुए हैं, तो ये एक विरोधाभास है। लेकिन ये बात एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोकतंत्र है उसमें जो ये सभी पार्टियों के सभी नेताओं पर लागू होती है, जो चुनकर आते हैं या नहीं भी चुनकर आए तो भी, लेकिन अगर वो आगे आ गए हैं कि अगर वो थोड़े दिन कहीं उनको लेकर कहीं कोई चर्चा ना हो, वो मीडिया में दिखाई ना दें या छपे नहीं, तो वो भीतर से परेशान महसूस करने लगते हैं, वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो ये जो प्रचार है जिसे हम कहते हैं दिखास और छपास, या दिखना या छपना, ये एक तरह की प्राणवायु है हर राजनीतिक नेता के लिए, तो इसको ध्यान में रखकर ही बात करें हम लोग तो अच्छा है। ये इसको कोई बहुत बुरा माने या कोई एक बड़े गुण के रूप में हम रखें, कोई इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, रागिनी बहुत मुस्कुरा रही है। रागिनी देखिए, कला कला की बात होती है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना बोले तो भी खबर है और बोले तो भी खबर है। अरे दीपक जी, लेकिन हाथी के दांत दिखाने और खाने के इतने अलग होंगे, ये भी तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अब आप देखिए कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट तक पर जो व्यक्ति अपनी फोटो छपा रहा हो, जो खाली कलर में हाथ हिला रहा हो, जो व्यक्ति अपने ही नाम की कढ़ाई का 10 लाख का सूट पहनता हो, जो अपनी माताजी के पैर छूने के लिए 50 फोटोग्राफर लेकर जाता हो, बीच कोरोना काल में बंगाल में रैली करते हुए भीड़ को एकत्रित देखकर शाबाशी दे रहा हो, वो छपास और दिखास के ऊपर अगर प्रवचन देंगे तो कौन उसको मानेगा? दीपक जी, हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? पर याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और बात सिखाई थी मोदी जी को राजधर्म। आप लोग आजकल ये भी लगाते हैं कि नहीं मानी मोदी जी ने, और छपास और दिखास भी दूसरों के लिए है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अपने लिए नहीं है। तो 21 जून को जब एक बहुत बड़ा स्वांग रचा गया, आजकल 86 लाख टीकाकरण, जिससे पहले भाजपा शासित हर प्रदेश में हफ्तों तक टीके की गति को रोक दिया गया था, एक दिन पहले मध्य प्रदेश में केवल 962 लोगों का टीका हुआ था, उस दिन आप जानते हैं कितना इश्तहारों में मोदी जी की फोटो छपी थी, हजारों करोड़ रुपयों का विज्ञापन एक ही दिन में दे दिया था मोदी सरकार ने। तो देखिए, मोदी सरकार ऑप्टिक्स में विश्वास रखती है, आपको वो भी याद होगा कि जब स्वच्छ भारत अभियान चला तो साफ सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली फोटो भी मोदी जी की आई। तो ये तमाम चीजें जो है, नजारों पर पूरा फोकस है, नतीजों पर नहीं, इसीलिए मोदी जी की छवि डूब रही है, इसीलिए ये सारा प्रपंच रचना पड़ रहा है। ठीक है, मैं दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा जो मेरे पूर्व संपादक ने मुझे कही है, लेकिन गोपाल कृष्ण जी को जवाब देने का हक है, और आपकी बात सुनके वो भी मुस्कुरा रहे थे। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात मैं राहुल देव जी की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र किस पार्टी में आज जिंदा है। प्रजातंत्र का ये मतलब नहीं है कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं या उनकी बात चले पार्टी में। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि जब कोई किसी पद पे है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बात चलना चाहिए। हमारा एक नेता है इस वक्त और उनके नेतृत्व में हमारा विश्वास है, हम उनकी बात पे चलते हैं, उनके काम को आचरण करते हैं, उनको देख के हम काम करते हैं। और जब और आज अगला प्रधान भारतीय जनता पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा कोई बता सकता है? प्रजातंत्र इसको कहते हैं। प्रजातंत्र उसको नहीं कहते कि एक गांधी परिवार ही सत्ता पे बैठा रहेगा, उनके अपने पार्टी के 23 नेता कह रहे हैं कि सत्ता छोड़ो, गद्दी छोड़ो अपनी, लेकिन वो कह रहे नहीं, चिपके रहेंगे, एक वही फिर से अध्यक्ष बनेंगे। तो प्रजातंत्र अगर आज कोई जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी में जिंदा है। और एक बार अरुण जी ने कहा था, टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड कोई प्रजातंत्र नहीं होता, टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, जिसको जनता ने अपने शीर्ष पे पद पे बैठाया है उसका सम्मान करना, उसके बाद के आचरण को चलाना, इसको प्रजातंत्र कहते हैं। दूसरी बात ये है कि जनसंवाद में आज प्रधानमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कम्युनिकेटर इन पॉलिटिकल सर्कल्स। तो जो राजनेता का सबसे बड़ा गुण है कि अपनी बात को प्रभावी ढंग से जनता में रखे और जनता की बात को अपने डिफरेंट संस्थाओं से सुने और अपनी नीतियों में समावेश करे, और यही प्रधानमंत्री की सक्षमता और सफलता का कारण है कि जनता की जिस सेक्टर की आवश्यकता है उसको सुन के इंप्लीमेंट करते हैं। और बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूँ, ठीक है राहुल सर, क्या आप कह रहे हैं, आपके लिए गोपाल जी ने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बेहतर उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है, क्या आपको लगता है ऐसा? दीपक जी मुझसे पूछ रहे सवाल, दीपक जी मैं तो ये राहुल देव सर से है सवाल, फिर मैं आप दोनों के पास आता हूँ, डॉक्टर अजीज खान एंड डॉक्टर सुनील सिंह जी। अभी मुझे जवाब देना है दीपक जी? जी जी सर। अच्छा, नहीं ये तो मानना पड़ेगा कि बाकी पार्टियों की तुलना में, चूंकि यहाँ पे परिवार, एक परिवार नहीं चलता, परिवारवाद नहीं चलता, और पार्टी संविधान के अनुसार चुनाव होते हैं, विधिवत समय पे चुनाव होते हैं, पूरी प्रक्रिया का पालन होता है, तो
ये तो मानना ही पड़ेगा और बिल्कुल निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी में ये लोकतंत्र है और हर बार वहाँ ये पहले से गोपाल जी ठीक कह रहे हैं कि ये नहीं बताया जा सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो ये इतना श्रेय तो उनको देना पड़ेगा। बाकी कौन सी इतनी पार्टियां हैं जो इसका दावा कर सकती हैं, इसके आधे का भी दावा कर सकती हैं? कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं कर सकती, समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती, शिवसेना बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बाकी और क्षेत्रीय दलों की बात कर दे, जेडीयू में ठीक है वहाँ पे परिवारवाद उतना नहीं है, लेकिन ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन बाकी सब जगह अगर आप देखें तो उससे कौन सी पार्टी मुक्त है? मुक्त अपवाद स्वरूप ही ऐसी पार्टियां आपको मिलेंगी। आप राज्यों में चले जाएं वहां भी यही हाल है। तो परिवार एक मतलब पार्टी चलाने में परिवारवाद भी एक भारतीय लोकतंत्र की एक परंपरा सी बन गया है जो बहुत ही खराब है। दीपक जी, राजनीति में आऊंगा। डॉक्टर जीचकार, मेरा सीधा सवाल है, आप इस इल्जाम से नहीं भाग सकते कि आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से कैसे अलग है। डॉक्टर अजीज खान क्या कहेंगे, आपकी पार्टी पार्टी नहीं परिवार के आधार पर चलती है, कार्यकर्ताओं के आधार पर, और उसमें भी झगड़े होते रहते हैं। अभी देखिए सर, झगड़े तो होते रहते, वो तो सब घर में होते हैं। सर मैं कहूं, अभी गोपाल जी ने जो सवाल किया, आंतरिक लोकतंत्र है, साहब लोकतंत्र तो है ही बीजेपी में, बड़ा लोकतंत्र है। अभी साहब जिस तरीके से योगी जी और माननीय मोदी जी में लोकतंत्र का आदान प्रदान हुआ, लिफाफों का दौर जारी हुआ, साहब लोकतंत्र है और दिख रहा है, देश में दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि साहब जो अभी छपास और दिखास की बात, छपास और दिखास गोपाल जी सुने मेरी बात, साहब जो पर उपदेश कुशल होते हैं मोदी जी कह रहे थे साहब, वो इवेंट मैनेजमेंट, साहब मोदी जी से ज्यादा बेहतर इवेंट मैनेजमेंट, बीजेपी से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता है। साहब पहली जुलाई को जिस तरीके से इवेंट मैनेज किया गया, अरे तो आप भी सीखिए ना भाई, अगर वो उनकी कला है तो आप भी सीखिए उस कला को। डॉक्टर खान काम करने को इवेंट मैनेजमेंट कह रहे हैं, अगर 86 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया तो आप उसको इवेंट मैनेजमेंट कह रहे हैं। राजधानी के नाक के नीचे, अरे उसने कितनी ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म किया वो नहीं समझ रहे, योगदान दिया जहाँ 2 सीटों से सफर आपने तय किया, अयोध्या में आपका वैक्सीनेशन फेल रहा, इवेंट मैनेजमेंट फेल रहा। मैं आपको बताऊं, अभी सुनील जी कह रहे थे साहब कोरोना सेकंड फेज, अरे मैं फर्स्ट फेज पे आना चाहता हूं। जिस तरीके से मजदूर छोटे छोटे बच्चे 2-3 हजार किलोमीटर पैदल चल करके उनके पांव में छाले पड़ गए, साहब तमाम मौतें हो गई, कौन जिम्मेदार होगा आप बताइए? उनके लिए किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं था, ना खाने का, ना चलने का, ना गाड़ियों का, ना किसी तरीके का इंतजाम। मजदूरों को धोखा दिया आपने, मजदूरों को परेशान किया। राजनीति में आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह का मौका देना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला इस चंग के अंदर। डॉक्टर सुनील सिंह मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मजदूरों को जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश से बिहार में चली गई लाशें तैर कर, क्या हकीकत थी बताइए उनका। उसके पहले एक सेकंड में लेना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो दिखास और छपास की बात की थी, वो जो नव नियुक्त एमपी लोगों के लिए किया था कि आप काम पर ध्यान दें, दिखास और छपास आपका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। एक बात कहना उन्होंने, अच्छा अच्छा, मतलब मोदी जी के लिए दिखास छपास ठीक है, राजनीति जी के लिए नए लोगों के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए छपास दिखास ठीक है। मैंने तो कहा ही पर ऊपर देश को सर्वोच्च दे रहे हैं। दीपक जी उनको चुप कराइए ना, राजनीति जी के लिए एक बात बोलना भूल गए कि झूठास से भी बचना चाहिए। झूठास एक बड़ी समस्या है जिससे ग्रसित है कांग्रेस पार्टी। उनके जो राजकुमार हैं वो एक कोने में बैठ के ट्विटर बाबू ट्वीट करते हैं, जुलाई आ गई है। दीपक जी प्रजातंत्र में कोई राजकुमार नहीं होता है, ये अपनी मनोदशा दिखा रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं बीच में बोलूंगी। सफलतापूर्वक अच्छे से बहस करिए, तमीजदार बहस करिए। राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम नीतीश बाबू की पार्टी के प्रवक्ता प्लीज अच्छे से बात करिए। राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम के प्रवक्ता है आप, जो कि कभी इधर जाता है कभी उधर, समाजवादी पार्टी के नेता भाजपा के खिलाफ करते हैं, सेक्युलर नेता बचाते हैं,
कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया, नतीजा उनके लाल नाम चपेट में आ गए, तो कृपया कर वैक्सीन से राजनीति नहीं करें। अब लास्ट बह के आने की, लास्ट बह के आने की, ये लास्ट जो उत्तर प्रदेश से और यहाँ की आई, ये लास्ट के बारे में लोग जान गए बाद में कि एक पंथ के लोग होते हैं, वो पंथ के लोग अपने लाश को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। इसके साथ ही अगर बताया गया तो दो चार साल पहले की परंपरा नहीं है, लड़े तो हमें लगता है बेहतर होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश आपके चेहरे के मध्य के लिए चाहिए, अच्छा सब एक साथ नहीं, प्लीज सब एक साथ नहीं, डॉक्टर अजीज खान आप भी एक साथ, सुनील सिंह जी को कंप्लीट करने दीजिए, सुनील सिंह जी कंप्लीट करिए प्लीज, कमेंट दे दीजिए जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वैक्सीन से राजनीति नहीं होनी चाहिए, वैक्सीन एकमात्र सुरक्षा कवच है संभावित तीसरी लहर से। सब लोग मिलकर, पक्ष प्रतिपक्ष सब मिलकर के हमको वैक्सीन को, वैक्सीन संकोच को खत्म करना है। इसलिए वैक्सीन से गलत बयानी नहीं, वैक्सीन से ठीक है। डॉक्टर रागनी नायक, डॉक्टर रागनी नायक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पूर्व संपादक थे एसपी सिंह, वो कहा करते थे कि जो मालिक होता है ना वो घर की नौकरानी को कहीं पे भी दिखा देता है कि देखिए यहाँ पर इतनी जगह आपने सफाई नहीं की है। लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जितनी भी आप उनके आलोचना कर लें, जितने भी आप उनके बारे में चीज़ें निकाल लें, उससे उनके ही वोट बढ़ जाते हैं, कांग्रेस के कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं समझने में असफल रहता हूँ। दीपक जी एक बार चुनावी बहस करिएगा, उसका विषय उसकी समीक्षा मैं करूंगी आपके साथ। और ये जल्दी से कह देती हूँ कि कार्ड की हानि बार बार नहीं चलती, अभी वोट जो बढ़े हैं, ज्वार आता है तो उसके साथ घाटा भी आता है। अच्छा जल्दी से जवाब देती हूँ भाई, प्रजातंत्र का सवाल पूछिए गुजरात के संजय जोशी से, जिनका राजनीतिक करियर मोदी जी ने खत्म कर दिया। मुरली मनोहर जोशी जी से पूछिए, अडवाणी जी से पूछिए, जसवंत सिंह जी से पूछिए, जिनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। फिर सुन लीजिए, पत्र अभी तक पेंडिंग पड़ा है। आप इतने प्रबुद्ध व्यक्ति के तू बीच में बोल रहे हैं, एक मिनट शांत रहिए ना। फिर आप G23 का जवाब दे दो ना। वंशवाद का प्रश्न पूछिए पंकजा मुंडे से, अनुराग ठाकुर से, पीयूष गोयल से और धर्मेंद्र प्रधान से। तो एक कहावत है कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना उससे बुरा न कोई। भाजपा में चरितार्थ होती है, लगातार दूसरों पर उंगली उठाते हैं, तीन उंगलियां अपने आप इनकी तरफ आ जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर सुनील सिंह ने तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया इस बात का, उन्होंने कह दिया कि जो नए मंत्री आ रहे हैं केवल उनके लिए मोदी जी ने कहा कि छपास और विकास पे मत ध्यान दीजिए, पर मोदी जी पर उन्हीं की कही हुई बातें लागू नहीं होती क्योंकि वो तो अधिनायक पार्टी है। और अधिनायक पार्टी नेता कैसा होता है, आप लागू कर लीजिए ना पार्टी में अपने, जो दूसरों को उपदेश देता है पर वो उपदेश अपने ऊपर कभी नहीं लागू होते। ठीक है, गोपाल अग्रवाल जी वाजपेयी जी के उपदेश नहीं माने थे। तो इसी तरीके से केवल और केवल एक ऑप्टिक्स की राजनीति करना, एक इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करना और लगातार बोलते रहना, कोथा चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल्स मेक बट साउंड, वही मैं समझती हूँ सबसे अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की कमियों का को उजागर करना। दीपक जी सबसे बड़ी बात है मुहावरों और कविताओं, होता चना बाजे घना, लेकिन आपने वो भी सुना होगा, समरथ को नहीं दोष गोसाई, आपने सुना है कि नहीं रागनी नायक जी? मैंने तो ये भी सुना है, मैं दीपक जी मैंने तो ये भी सुना है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो आज आपके चैनल पर बहुत सारी अभद्रता भी हुई लेकिन मैं उसे स्वीकार ही नहीं करती, मैं वापस लौट आती हूँ और यही कांग्रेस पार्टी का जो मैं समझती हूँ सौहार्द है, समन्वय है। अब बुराई राजनीति जी आपने सबको भुजंग कह दिया, यहाँ पे और क्या कह दिया, लगातार जितनी भी सब भुजंग है और आप चंदन है, आप चंदन है और सब भुजंग है और इससे ज्यादा लोगों का अपमान क्या करेंगे। आप बता दीजिए, मैं चलते चलते आपको एक बात बोलता हूं, पीले रंग का सोने का घड़ा लेकिन जहर भरा हुआ है, क्योंकि मोदी जी के और भाजपा की विचारधारा की बात करेंगे आप, देश को विभाजित करने वाली विचारधारा की बात करेंगे। राजनीति जी से जीते इस पत्र का जवाब, जितने ये शब्द बोलेंगे उतने वोट पड़ेंगे।
देखिए गोपाल जी आखिरी 3 सेकंड प्लीज। देखिए रागिनी जी से जी 23 का जवाब ले लीजिए। देखिए जनता जनता में प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। अगर कोई अपनी सत्ता पार्टी और परिवारवाद चलाना चाहेगा तो भारत में तो उसकी राजनीति नहीं चलेगी। अरे पंकज मुंडे भारत में प्रजातंत्र की बहुत गहरी मजबूत जड़ें हैं। ठीक है बात मैं यहीं पर रुकूंगा। मेरे पास इतना ही वक्त है। चलते चलते हमारा आज का पोल क्या कहता है, नतीजे ये कहते हैं 91% लोग ये मानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से छवि और निखरेगी। निखरेगी या नहीं हम नहीं कह सकते क्योंकि कल हमें देखना है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होता है, आगे सरकार काम कैसा करती है, तीसरी लहर की क्या तैयारी करती है। समय राजनीति में बदलते हुए देर नहीं लगती और कहा जाता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। फिलहाल एक ब्रेक।